ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चार बड़े टमाटर को मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये मैंने जिंजर को यानी कि अदरक को थोड़ा ग्रेट कर लिया है। ये हरी मिर्च हैं, ये मैं सारी हरी मिर्च इसमें नहीं डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च मैं बॉल्स में भी डालूंगी। ये चार लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्च हैं, जीरा है, ये काजू है। काजू यदि आप नहीं लेना चाहते हैं, वैसे तो थोड़े से ही डलते हैं, यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस जगह पे खरबूजे के बीज को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काजू और खरबूजे के बीज का टेक्सचर एक जैसा ही रहता है। और यदि आप वो भी नहीं मिलते हैं आपको, तो आप थोड़े से पीनट यानी कि मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। मूंगफली के दानों को भी इसी तरीके से सॉर्टेड करके आप पीस लीजिए, उसका टेस्ट भी कुछ ऐसे ही आता है, पर काजू का टेस्ट और अच्छा आता है। ये 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, और ये बड़ी इलायची है, और ये तेजपात का पत्ता है यानी कि बे लीव्स है। बॉल्स बनाने के लिए मैंने 1/2 कप पनीर लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है। आप कोई भी मेजरमेंट लीजिए उसका, इसी तरीके से रखिएगा। 1/2 कप पनीर और 1 कप ग्रेट करा हुआ आलू, बॉयल आलू है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। यानी कि 1 कप आलू लेना है तो 1/2 कप आपको पनीर लेना है, दोनों चीज़ को ग्रेट कर लिया है। ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये धनिया है, ये अंदर फिलिंग भरने के लिए है, ये ऑप्शनल है, यदि आप नहीं भरना चाहें तो नहीं भी भर सकते हैं। इसमें मैंने ये खोए को ग्रेट कर लिया है, फ्रिज में रख के पहले खोआ रख दिया था, फिर उसको ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यदि आपके पास खोआ नहीं है तो आप पनीर का भी थोड़ा सा ले सकते हैं और उसको ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर सकते हैं, उसको भी फिलिंग कर सकते हैं। ये नमक है, ये लाल मिर्च है, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये जीरा पाउडर है, जीरा मैंने इसे रोस्ट कर लिया था और इसे रोस्ट करके महीन सा पीस लिया है। ये जीरा इसके अंदर मैं डालूंगी, इन सब चीज़ को मिला के मैं इसकी बॉल्स तैयार करूंगी और इसकी फिलिंग भरूंगी। मैंने एक कढ़ाई रख दी है, अब इसमें एक कलछी मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये जीरा डालेंगे, ये लौंग थी, ये लौंग डालूंगी मैं इसमें, ये बड़ी इलायची थी, इसको भी मैं तोड़ के डाल दूंगी, ये काली मिर्च थी, ये दालचीनी का टुकड़ा था, तेज पत्ते के पत्ते, और ये अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम हरी मिर्च डालते हैं तो इसमें लाल मिर्च का टेक्सचर कम रहना चाहिए, यानी कि लाल मिर्च का टेस्ट थोड़ा कम रहता है और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसमें टमाटर डालेंगे। यदि आप ऑनियन खाते हैं तो आप ऑनियन भी डाल सकते हैं, पर मैं ये पूरा वेज बना रही हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनियन नहीं खाते हैं, तो स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जो ज़्यादातर रेसिपी बाज़ार में ऑनियन की ही मिलती हैं, तो ये रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑनियन नहीं खाते हैं। वो भी आप इसी तरीके से डाल दीजिए ऑनियन, और उसको गोल्डन ब्राउन नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा, बस केवल हल्का सा सॉटेड करना है। ये देखिए अभी टमाटो है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से गल जाएं। हमें पूरी तरह नहीं गलाने हैं क्योंकि वो तो हमें टमाटो प्यूरी में पीसना है, बस हल्का सा थोड़ा सा गलाना है इसे इसी तरीके से। और ये काजू थे, काजू भी इसी में डाल दूंगी, और थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट इसे इसी तरीके से धीमी आँच पर इसे पकने दूंगी। जब थोड़े से टमाटर गल जाएंगे तब मैं इसे ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसे इसके पेस्ट को पीस लूंगी। इन गरम मसाला में जो हमने साबुत मसाले डाले हैं उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। यदि आपके पास ये साबुत मसाले नहीं हैं तो आप पिसा हुआ गरम मसाला भी इसी टाइम पे डालिए ताकि वो अच्छी तरह से भून जाए, और भूनने के बाद आराम से ग्राइंडर में पीस जाए।
इस तरीके से डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्च भी मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि उसका भी टेस्ट मुझे लाल मिर्च का टेस्ट कम लेना है और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें ज़्यादा लेना है। जो भी शाही सब्जियाँ होती हैं यानी कि शाही वेजिटेबल आप कोई भी बनाते हैं, कढ़ाई पनीर हो, मलाई कोफ्ता हो, जो भी आप मटर पनीर हो, उसमें कोशिश कीजिएगा कि लाल मिर्च थोड़ा कम डालिया करिए और हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हरी मिर्च हम इसमें ज़्यादा डालते हैं और लाल मिर्च थोड़ा कम डालते हैं। बस इसे इसी तरीके से 5 मिनट और इसमें छोड़ देंगे। और ये फिर टमाटर देखिए थोड़ा सा हो गए हैं और उसके बाद फिर इसे ठंडा होने देंगे हम। बस टमाटर हो गए हैं, हमें ज़्यादा मुलायम नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो वो एकदम मीठा टेस्ट देने लगेंगे और जो उसका खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटर आधा कच्चा है और आधा गल गया है, इस तरीके का रखना है आपको। अगर आप पूरा गला देंगे तो इसका मतलब फिर उसका मीठा सा टेस्ट आने लगेगा और जो उसका खट्टापन है टमाटरों का वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम कोफ्ता बनाएंगे जिसके लिए हमने ये ग्रेट करा हुआ आलू लिया था 1 कटोरी, ये ले लेंगे। ये पनीर था, ये 1/2 कटोरी था यानी कि आप जितना आलू लेंगे उसका 1/2 कटोरी आपको पनीर लेना है। अब इनको पहले आपस में मैश कर लीजिए। ये थोड़ी सी हरी मिर्च थी, ये धनिया, ये लाल मिर्च, ये जीरा और नमक स्वाद अनुसार, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट के लिए। पहले इन सबको मिला लेंगे हम और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। वो इसलिए हम छोड़ते हैं क्योंकि हमने जो नमक डाला है वो अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देता है जिसके कारण थोड़ा ये मॉइस्चर छोड़ देता है जिसके कारण थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है इसमें, इसलिए इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, पर ये दोनों चीज़ें जल्दी ही घर में हर किसी के घर में नहीं मिलती हैं, इसलिए हम अपनी हर वीडियो में ऑप्शनल लेके आते हैं, यानी कि आपके घर में कोई चीज़ नहीं है तो उसका सेकेंड ऑप्शंस भी हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हमारी वीडियो सभी लोग लाइक कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। तो यही हमने इसका ऑप्शन रखा है कि इसमें आप 2 चम्मच मैदा डालिए। ये एक तरह से जैसे आप रसगुल्ले बनाते हैं तो रसगुल्ले मीठे होते हैं और ये नमकीन होते हैं, तो एक तरह से ये भी एक तरह का बॉल्स रसगुल्ले की ही देते हैं क्योंकि इसमें पनीर है, खोआ है और आलू के जैसे खोआ बन जाता है और मैदा, उसमें भी हम रसगुल्ले में 2 ही चम्मच डालते हैं, इसमें भी सिर्फ हमें 2 ही चम्मच डालना है और इसको अच्छी तरह से बाइंड करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ की सहायता से। बस इसी तरीके से आप इसको अपनी हाथ की सहायता से मिला लीजिए और इसका डो बना लीजिए और डो बना के फिर इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। तो हमारी सभी वीडियो इस टाइप की होती हैं कि आपको कोई भी चीज़ आपके घर में नहीं है तो उसका सेकेंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि यदि ये हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यही हम अपनी वीडियो में लेके आते हैं। बस इस तरीके से हमने इसके कर देंगे। अब इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स तैयार करेंगे। अब एक प्लेट में हम थोड़ी सी मैदा फैला लेंगे, वो इसलिए फैलाएंगे कि ताकि बॉल्स आपस में चिपके नहीं, और थोड़ी सी हाथ पे चिकनाई लेंगे इस तरीके से और इसकी छोटी छोटी बॉल्स को हम तोड़ लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बॉल्स को बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गोल बॉल होनी चाहिए। ये ऑप्शनल है अंदर फिलिंग करना, वैसे इसका बहुत अच्छा अंतर से आता है, जब आप किसी कोफ्ते को अंदर से तोड़ते हैं फिर उसके बाद अंदर से खोआ निकलता है तो बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा इसमें फिल कर देंगे हम, बस इसको आप बंद कर दीजिए। और शेप आपका मन है, आप थोड़ी लंबी देना चाहें लंबी दे सकते हैं और आप इसको गोल देना चाहें तो गोल दे सकते हैं। बस इस तरीके से गोल सारी शेप देती जाइए
और आप यहाँ मैदा के ऊपर रखते जाइए ताकि ये आराम से चिपके नहीं। आराम ये सारी बॉल्स मेरी बन गई हैं, अब बस मैंने डीप फ्राई करूँगी। ये देखिए पेस्ट ठंडा हो गया है, अब बस मैं मिक्सर ग्राइंडर में से ग्राइंड कर लूँगी और इसका प्योरी बना लूँगी। ये देखिए प्योरी एकदम फाइन पिस चुकी है, एकदम पिस चुकी है। अब हम तैयार करेंगे मलाई कोफ्ता। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है, अब मैं कोफ्ते जो हैं इसमें डीप फ्राई करूँगी। अभी गैस मैंने फुल फ्लेम पर रखी है, जब ये घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख के इसे डीप फ्राई करूँगी। अब घी गर्म हो चुका है, ये देखिए अब हम इसमें ये कोफ्ते बनाए थे उसके अंदर डाल देंगे। ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए हम इसमें थोड़े थोड़े करके ही सेक रहे हैं, या फिर किसी आप फ्लैट पैन पे सेक लीजिए। अभी थोड़े से डीप फ्राई हो जाएंगे तब मैं दूसरे वाले कोफ्ते इसके अंदर डालूंगी। ये कोफ्ते सिक गए हैं, मैंने सारे कोफ्ते इसलिए एक साथ नहीं डाले हैं क्योंकि कभी कभी कोई कोफ्ता फट भी जाता है तो वो दूसरे कोफ्ते को ख़राब कर देता है, और ये काफ़ी चिपक जाते हैं आपस में तो भी एक दूसरे को ख़राब कर देते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े करके डालिए आप ताकि वो अच्छी तरह और तेज़ आंच पे ही इसे सेकना है। ये वाला सीख चुका है, बस इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। गैस गर्म कर दिया है और ये हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। यदि आप बटर नहीं डालना चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, पर बटर डालने से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इसलिए। और बटर के संग में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि यदि हम बटर केवल डालते हैं तो उससे क्या होता है वो काफ़ी जल जाता है, और घी के संग मिलने पे वो काफ़ी अच्छा एक दूसरे को मिल जाता है और वो जलता भी नहीं है और अच्छा सा खुशबू देता रहता है। ये देखिए आराम से मेल्ट हो रहा है, वरना बटर होता तो जल जाता तब तो। ये गर्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी, ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च मैंने देगी मिर्च लिया है, लाल मिर्च नहीं ले रही मैं, देगी मिर्च ली है आधी चम्मच। देगी मिर्च इसलिए लेती हूँ इसमें कलर होता है, मिर्च कम होती है, ये देगी मिर्च ली है मैंने। अब इसे पहले भून लूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, ये देखिए आधी चम्मच ये डाल दूंगी और इसको भी इसी तरीके से भून लूंगी। अब ये मैंने टमाटो प्योरी बनाई थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसे 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे इसी टाइप से थोड़ा सा बॉईल होंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया हमारे मलाई कोफ्ते की ग्रेवी का। अब इसको भी हम, ये नहीं है कि हम थोड़ा सा इसे बॉईल करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको बस इस तरीके से तैयार हो गई। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे तेज फ्लेम पे ही, फुल फ्लेम पे ही इसे हम बॉईल करेंगे। इसमें बॉईल आ रहा है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें थोड़ा सा नमक हम पहले डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा सा नमक और डाल देंगे हम इसमें। और आप क्रीम डालना चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा फ्रेश मलाई ही डालती हूँ, जो घर पे दूध में से निकलती है फ्रेश मलाई है ये, मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है इसके अंदर। और छोटी वाली, बिल्कुल छोटी वाली आधी चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी। अब हम इसे 10 से 15 मिनट इसी तरीके से खोलने देंगे, इसी तरीके से बॉईल होने देंगे और बस ये देखेंगे थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा, तब हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे।
कस्तूरी मेथी का पैकेट आता है इस तरीके से, ये थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी ली है, ये मैं इसमें थोड़ा बारीक पीस के तब इसके अंदर डालूंगी। ये बॉयल हो चुकी है, अब हम इसके अंदर कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। और आपको इसके अंदर कोफ्ते नहीं डालनी है, जब भी आप किसी को सर्व करें पहले कोफ्ते रखिए, उसके ऊपर आप इसकी करी डालिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर डाल देंगे तो कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो बिल्कुल फट जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि जब आपको खाना है तभी आप इस करी को गर्म कीजिए और कोफ्ते रखकर उसके ऊपर से करी डाल दीजिए। ये बस बन चुकी है, परफेक्ट है। अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये कोफ्ते हमने प्लेट पर रख लिए हैं, अब जो हमने करी बनाई है उसको हम इसके ऊपर गरम गरम डालेंगे। और ये क्रीम है, और बस थोड़ी सी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। ये हमारा मलाई कोफ्ता बनके तैयार है। कोफ्ते आपको काट के दिखाती हूँ, ये अंदर मैंने खोआ भरा था उससे ये इसका अंदर कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, ये देखिए। ये देखिए अंदर खोए भरने से कितना अच्छा अंदर फ्लेवर आया है, इसलिए हम इसके अंदर खोआ भरते हैं। ये देखिए मलाई कोफ्ता तैयार है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी फ्यूचर की पोस्ट को नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।